ये मेरे चाचू हैं, ये उनका छोटा बेटा है अरमान, उनका बड़ा बेटा है एलेक्स, ये उनकी वाइफ है साकी। नाइस, ब्यूटीफुल। और ये है घर, बहुत सुंदर होटल है ये, फोर सीजन का होटल है गाइस, यहाँ पर आते हैं स्टार्स। ओ नाइस, ये भी रियल एस्टेट का है ये आपको, और ये आपका है क्रेडिट, ये भी जो बिल्डिंग है ये भी रियल एस्टेट पे है। तो आपको अगर कोई घर खरीदना हो, आपको कोई जगह खरीदनी हो यूरोपियन कंट्रीज में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, इससे दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट एलए, स्पेशली क्योंकि मगर अभी दो दिन पहले अर्थक्वेक आया था यहाँ पे। मैं घर में बैठा हुआ था, मेरी सीट उड़ रही थी, क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और रमेश अपने घर पे था, वहाँ भी चीजें हिल रही थी। रोडियो ड्राइव है वहाँ पे, तो रोडियो ड्राइव जो है अगर आपको पता हो तो जितने भी बड़े बड़े महंगे ब्रांड हैं, गुची, प्राडा और डैनिया, डिफरेंट ब्रांड हैं, वहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आप कॉल करेंगे उनको, बताएंगे कि मुझे इस दिन आना है, कितना टाइम, कितने बजे आना है, और इतने बंदे आएंगे, तो एक्सक्लूसिवली आपके लिए रहेगा वो पूरा स्लॉट, वो पूरा एक घंटा। मगर वहाँ शॉपिंग जो होती है उसके लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, घर के पेपर। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल छूट गया, हम फर्स्ट स्टार्ट, हम फर्स्ट, गाड़ी चला, गाड़ी चला। एल कैमिनो स्ट्रीट का नाम है, एल कैमिनो लिखा हुआ है। हाँ, और जो उधर जा रही है वो आपकी है रोडियो ड्राइव। ओके, और यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कार की, मुझे देख लीजिए। हाँ, मुझे नहीं गाड़ी खरीदी है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मैं वो पढ़ रही हूँ, फॉलो योर ड्रीम्स। क्या बात है, इससे मुझे पीने की याद आ रही है। Actually it's rodeo drive, not radio drive. It's about the rodeo. Okay, rodeo. Okay. It's written RODEO, huh, na? Toh. Rodeo. Maine radio bola. Guys, वहाँ पे red sign है, वो हाथ जो है red कलर में लिखा हुआ है, इसका मतलब है stop. Stop. Yes. हमें यहीं रुक जाना है, हमें follow नहीं आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे सल्लू भाई कभी भी आ सकते हैं गाड़ी लेके। समझ रहे हो ना? Yes, और जब एक आदमी चलता हुआ दिखे तो मतलब चल रहा है, अभी आपको दिखाएंगे। रेड का मतलब ही स्टॉप होता है। Yes. जहाँ की रेड अभी आपको चल रहा है। Rolls Royce, वो कड़ी पीली वाली। अभी जाएंगे उस साइड। सर यहाँ पे जो लोग घूम रहे होते हैं वो बहुत सारे आपको कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, टेलीविजन फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री। और कुछ खाने भी आते हैं जस्ट नेक्स्ट पे, ना नेक्स्ट पे उसकी स्ट्रीट है, आई थिंक बेवरली ड्राइव, बेवरली ड्राइव पे जो है स्ट्रीट, वहाँ पर जो खाने के लिए है जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ बैठे मिल जाएंगे, प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे आपको, बस चिल कर रहे हैं, बैठे प्लान कर रहे हैं जैसा शो लेके हैं, पैसे बनाएंगे। गाइस बाकी इंडियंस बहुत देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, अभी मैंने देखे नहीं, दिखा था आई एम श्योर और भी होंगे, जैसा कि आपने बोला ही था कि चप्पे चप्पे में पुलिस मिल जाएगी, एक फोन और पुलिस हाजिर। और यहाँ के जो पुलिस वाले वो 6 फीट में, 6 फीट ऊपर ही दिख रहे हैं। तो बेवेली हिल्स साइन है, मतलब कुछ सामने ही है, थोड़ा हमें वॉक करते हुए जाना है, अभी हम वहीं जा रहे हैं। सबसे ज्यादा फ्रेंडली स्टेट ये, हाँ, एलजीबीटीक्यू के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली स्टेट कैलिफोर्निया। यहाँ पर नहीं मारते, मतलब मैं नहीं, मतलब बाकी जो अदर स्टेट्स हैं यूएस काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है, सच में मार लटका देते हैं। मेरे को ये लिटरली यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था,
सिर्फ यही स्टेट है जो खास के जगह यही जगह खास कर नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छी जगह लेकर आए हैं आप सच में ये तो देखने लायक है जितने वहाँ लोग खड़े वो यहाँ रहते हैं यहाँ खड़े लोग वो यहाँ रहते हैं हाँ सारे विजिटर्स हैं दूर दूर से आते हैं यहाँ पे ना लोग काफी देखने के लिए जर्मनी फिनलैंड नॉर्वे और अदर भी जितने यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं रोमानिया से भी आते हैं मेरा तो अटैक हो रहा था यूक्रेन हाँ तो यहाँ पे काफी सारे जितने भी व्हाइट मैन या वुमेन हैं वो चाहते हैं कि हम टैन हो जाएं क्योंकि जैसे उनकी एज बढ़ती है आफ्टर 45-48 उनकी बॉडी में पिगमेंट आने शुरू करते हैं हल्के पैचेस आने शुरू करते हैं जो अच्छे नहीं दिखते क्योंकि उनकी पूरी बॉडी वाइट है और ब्राउन ब्राउन पैचेस हैं तो उस चीज़ को दूर करने के लिए वो या तो जाते हैं शॉप्स होती हैं यहाँ पर टैन होते हैं उनको घंटे के आप $2-50 और करते हो सालों साल या फिर तुम गर्मी में बाहर घूमो तो ज़्यादातर जो औरतें घूमती हैं कम कपड़े पहन के और लोग सोचते हैं कि भाई साहब ओपन सोसाइटी है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी है इसलिए घूम रहे हैं वो इसलिए घूम रहे होते ज़्यादातर वो इसलिए घूम रहे होते ताकि उनकी बॉडी टैन हो जाए जल्द से जल्द ताकि इससे पहले कि वो एज आए जब हमारी बॉडी पे पैचेस पड़े और अच्छे ना दिखे इससे पहले हमें बॉडी को टैन कर लें ताकि पता ही ना चले तो मेन रीज़न ये होता है लोगों का कम लड़कियों का कम कपड़े पहन के बाहर निकलने का मोस्टली खासकर वाइट का कह रहा हूँ हम इंडियन करते हैं पर उनकी बॉडी में है नहीं मेलाटोनिन उनकी बॉडी में है नहीं तो वो जितना मर्जी घूम लें ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा रेड ब्रूजेस हो जाएंगी बर्न हो जाएगी ज़्यादा घूमेंगे सनलाइट में तो फिर कैंसर हो सकता है क्योंकि कैलिफोर्निया की जो यूवी रेज है काफ़ी खतरनाक है अच्छी नहीं है बॉडी में अगर आप ज़्यादा एक्सपोज करोगे अपनी स्किन को टैन होगा वो बीमारियाँ भी होंगी इससे ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्रीम लगा के निकलते हैं सनस्क्रीन लेकिन लगा के निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ तरीका है पर बात ये कि जो सनस्क्रीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है और वो जाने देते नहीं रेस को अंदर और आपकी जो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो बंद कर देते हैं क्योंकि आप जब सांस लेते हो तो सिर्फ नाक से नहीं लेते सांस आपकी स्किन भी सांस लेती है उसके हर एक जो पोर्स है सारे सांस लेते हैं वहाँ तो जब आपने एक बार लगा दी अच्छी इतनी SPF 50-60 जो भी है सनस्क्रीन तो सारे पोर्स बंद कर देती है एक तो बंद हो गए ऊपर से सनलाइट पड़ रही है उसके ऊपर तो काम डबल खराब दो खर्चो आगे 8 घंटे डाल दो अकाउंट हम लोग हमेशा सेविंग करते हैं इंडियंस लोग हमें भी यही बात कर रहे थे कि हम लोग हमेशा सेविंग करके रखते हैं तो यहाँ पे आके भी हम वैसे ही रहते हैं लेकिन यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं यहाँ के लोग दे स्पेंड लॉट दे बिलीव इन लाइक अर्निंग एंड स्पेंडिंग दे थिंक 5 days अर्न करो मनी भागते रहो यहाँ वहाँ घूमो और वीकेंड पे सारा उड़ा दो इसलिए उनके अकाउंट में तो पैसे होते भी नहीं है जो मौज मस्ती कर रहे होते हैं उन्हें परवाह भी नहीं होती और उनको देखना होता है फ्यूचर में क्या करना है जो होगा देख लेंगे कल ये बड़ी अच्छी बात कही आप हमारा नहीं होता इंडियंस का नहीं होता है इंडियंस में पहला होता है कि भैया मौज मस्ती बाद में होगी पहले पैसे जोड़ो यहाँ पे आती थी जो इंडियंस यहाँ पे सेटल हुए वो भी ऐसी और अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं कहते हैं देखो भैया हमारा जो बाहर गार्डन है ना साफ करना पड़ेगा ये है $10 तो रख लेते फटाफट दे और फिर वो बोलते हैं तुम्हें तो वो टॉय खरीदना है ये टॉय खरीदना है ये चीज़ खरीदनी है कहाँ से कैसे खरीदोगे ऐसे ही तुम काम करोगे पैसे बचाओगे और खरीदोगे तो उनको एक तरीका समझ में आता है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं